नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक मीना आप सभी का स्वागत करता हूं बायोलॉजी बूस्टर चैनल में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो 12th स्टैंडर्ड का जो बायोलॉजी है वो है, ठीक है। और 12th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी पे फर्स्ट हम सेक्शन वाइज बिल्कुल ले रहे हैं, तो फर्स्ट जो टॉपिक है आपका 12th बायोलॉजी में या 12th क्लास के बायोलॉजी में वो है रिप्रोडक्शन, ठीक है। और रिप्रोडक्शन के चार चैप्टर्स हैं उसमें, उस यूनिट में। पहला जो चैप्टर है वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि एक बेसिक चैप्टर है। इस चैप्टर को हम वीडियो के थ्रू एक एक करके देख रहे हैं। इस पे पहला वीडियो मैं ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। इसको कंटिन्यू करते हैं एक बार, अगर किसी ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लें ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने रिप्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन बताया था कि क्या रिप्रोडक्शन होता है, लाइफ स्पैन क्या होता है, सारी बातें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, और फिर आगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ये सारे इस तरीके से देखते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, डिफरेंट वे ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पांच अलग अलग तरीके हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड के, ठीक है। कौन कौन से? पहला है आपका बाइनरी फ्यूजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन, और इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी इसे कहते हैं, ठीक है। ये पांच तरीके मैं फिर रिपीट करता हूं। सबसे पहला है बाइनरी फ्यूजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो एक एक करके से समझते हैं। सबसे पहला बाइनरी फ्यूजन, देखो बाय मतलब होता है टू और फ्यूजन मतलब होता है डिविजन, ठीक है। तो दो में डिवाइड होगी कोई चीज। क्या कहता है ये? इट अकर इन मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टास, अमीबा, पैरामीशियम इसके एग्जाम्पल। ये ज्यादातर सिंगल सेलर जो ऑर्गेनिज्म है जैसे मोनेरा प्रोटिस्टा। मोनेरा प्रोटिस्टा क्या होते हैं? मोनेरा प्रोटिस्टा मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेलर हैं। खैर, मोनेरा प्रोकैरियोटिक होते हैं और प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होते हैं, लेकिन दोनों ही सिंगल सेलर होते हैं, ठीक है। मोनेरा का एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो सकता है, प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल आपका अमीबा है, पैरामीशियम है, यीस्ट है, सब इसके एग्जाम्पल है। तो इस रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जैसे एक अमीबा है, ठीक है, तो ये अमीबा डिवाइड कर गया और इससे कितने अमीबा बन गए? दो। ये एक अमीबा बना इसी से और ये एक और इससे अमीबा बना, ठीक है। ये हो गया बाइनरी फ्यूजन। किसमें पाया जाता है? अमीबा पैरामीशियम, जैसे कि मैं एग्जांपल बताया हुआ है, ठीक है। अगला जो टाइप है बडिंग, इट अकर इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक यीस्ट। ये यीस्ट वगैरह में पाया जाता है। यीस्ट भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। बाइनरी फ्यूजन और बडिंग में फर्क क्या है? बाइनरी फ्यूजन ज्यादातर सिमेट्रिकल होता है थोड़ा सा, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट प्रोपोर्शन। वैसे तो देखो अमीबा में भी कुछ फिक्स नहीं है, सूडोपोडिया होते हैं, कहीं से भी डिवीजन हो सकता है, लेकिन इसमें फिर भी लगभग लगभग ये थोड़ा सा सिमेट्रिकल वे में होता है, मतलब इक्वली डिवाइड होते हैं। जबकि यहां बडिंग में ऐसा कुछ नहीं है। बडिंग में जैसे मान लीजिए ये यीस्ट है, ठीक है, ये यीस्ट है इस तरीके से, तो यहां से एक बर्ड निकला, तो जब ये बर्ड निकलेगा ऐसे तो ये एक यीस्ट, फिर ये जो नया बर्ड बना था इसे सेपरेट हो जाता है और इसमें इस तरीके से ये बिल्कुल अलग ही सेल बन जाता है। तो पहले बर्ड डेवलप होता है और ये बर्ड सेपरेट होकर एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है, तो ये होता है बर्डिंग। फ्रेगमेंटेशन, कोई फ्रेगमेंट हो, जैसे हाइड्रा वगैरह में पाया जाता है, उसका कोई फ्रेगमेंट हो, वो डिवाइड हो और फिर उस फ्रेगमेंट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए। जैसे इट इज द फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और क्लोनिंग, इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज स्प्लिट्स इंटू फ्रेगमेंट्स, डेवलप इंटू मैच्योर फुली ग्रोन इंडिविजुअल दैट आर क्लोन्स ऑफ द ओरिजिनल ऑर्गेनिजम्स, इट इज ऑल्सो नोन एज स्प्लिटिंग। वैसे सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म या सिंगल सेलर रिप्रोडक्शन जो होता है, जो कि एक कोशिकियों में पाया जाता है ज्यादातर, सब में ऑलमोस्ट ज्यादातर क्लोनिंग प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और इस केस में पूरा ही है, क्यों? क्योंकि उसका एक पार्ट ही टूटा है, स्प्लिट हो गया। प्लेनेरिया क्या होता है? प्लेनेरिया एक सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें इस तरीके से होता है ये। ये मान लीजिए एक प्लेन एरिया है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इस तरीके से डिवाइड कर गया, डिवाइड कर गया, तो इससे जब दो प्लेन एरिया बनेंगे ना, ऐसे ये दो प्लेन एरिया बन गए, ये पहला प्लेन एरिया और ये दूसरा, इस तरीके से क्या बन गया? प्लेन एरिया बन गया, ठीक है। अब ये जो दो प्लेन एरिया बने हैं इस तरीके से, ये आपस में क्या होंगे? क्लोन होंगे। सीधी सी बात है, क्लोन इसलिए होगा कि सारे के सारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो ट्रांसफर हो ही गई है। अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन सारी से के सारी आप ट्रांसफर कर देंगे, तो जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यानी कि डीएनए वगैरह सेम है, तो वो क्लोन ही होगा। क्लोन होगा मतलब बिल्कुल आइडेंटिकल, 100% सेम है ये, ठीक है। तो ये था थर्ड टाइप, फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद अच्छा, इट इज ऑल्सो नोन एज स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग क्यों कहते हैं? स्प्लिट हुआ है भाई, सीधी सी बात है, तो इसलिए इसे स्प्लिटिंग भी कहा जाता है। प्लेनेरिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, जो डेफिनेशन है ना आपकी, ठीक है, ट्वेल्थ क्लास की बायोलॉजी के लिए बता रहा हूं, जो डेफिनेशन है एक्यूरेट, यही डेफिनेशन आपको चिपकानी है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है।
क्लियर है बात, डेफिनेशन एग्जाम्पल सेम होगा, बाकी एक्सप्लेनेशन आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन टाइप थे, चौथा टाइप देखते हैं। तो दोस्तों जो फोर्थ टाइप है स्पोरुलेशन का, सॉरी फोर्थ टाइप जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन मतलब स्पोर्स बनना, ठीक है। क्या होता है इसमें, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑल्सो अकर्स थ्रू मैच्यूरेशन थ्रू फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स लाइक स्पोर्स, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब स्पोर्स के फॉर्मेशन से भी हो सकता है, और दो तरह के स्पोर्स बनते हैं। द मोस्ट कॉमन स्पोर्स आर जूस्पोर और कॉनिडिया। जूस्पोर जो होता है ये माइक्रोस्कोपिक होता है और ये मोटाइल होता है। मोटाइल मतलब मूव कर सकता है, ठीक है। इसकी खास बात ये है, दीज आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्पोर्स दैट मूव बाय मींस ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला होते हैं ये, मान लीजिए इस तरीके से स्पोर्स है तो इसमें इस तरीके से क्या है, फ्लैजिला है, तो मूव कर सकता है, ठीक है। जबकि ये जो है, दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस बाय स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस कॉल्ड कॉनिडियोफोर्स, ठीक है। कॉनिडियोफोर्स से बनते हैं ये, जबकि ये जो है वो स्पोरुलेशन या स्पोरेंजिया से बनते हैं, ठीक है। स्पोरेंजिया क्या होता है, इस तरीके से एक ट्यूब है जिसके अंदर ये मान लीजिए स्पोर्स बन रहे हैं, इसे ये स्पोर्स इसके अंदर बन रहे हैं, ठीक है। तो ये मोटाइल होते हैं लेकिन, ठीक है। एग्जाम्पल क्लैडोमोनस इसका एक एग्जाम्पल है, जिसमें ये टाइप का रिप्रोडक्शन पाया था। दोनों स्पोरुलेशन है लेकिन जूस्पोर्स वाला रिप्रोडक्शन यानी कि ये मोड शो करता है क्लैडोमोनस, जबकि ये जो है पेनिसिलियम शो करता है इस मोड को। और इस मोड में क्या होता है, कॉनिडियोफोर्स बनता है। जैसे मान लीजिए पेनिसिलियम है, ये इस तरीके से पेनिसिलियम है, तो ऐसे इस तरीके से अलग अलग क्या बन रहे हैं, कॉनिडिया बन रहे हैं। और इन कॉनिडिया के अंदर क्या बनते हैं, ये जो इसके कॉनिडियोस्पोर्स हैं इसके अंदर ये स्पोर्स बन रहे हैं ऐसे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, मतलब हाइफे लाइक स्ट्रक्चर है ये, एक और कुछ भी नहीं है, जिसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स बन रहे हैं। तो बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या है, पेनिसिलियम। तो दोस्तों फिफ्थ मोड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन समझते हैं। फिफ्थ टाइप है जो आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी कहा जाता है, ठीक है। क्या होता है ये, डेफिनेशन क्या है एनसीईआरटी के हिसाब से, इट इज अ मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन विच अ सोमैटिक पार्ट ऑफ द प्लांट डिटैच फ्रॉम द बॉडी ऑफ द मदर एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट अंडर सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। देखिए ये वो प्रोसेस है जिसमें सोमैटिक पार्ट यानी कि जिसमें क्रोमोसोम सेम हो, ठीक है। देखो सोमैटिक पार्ट वो पार्ट होता है जिसमें ये काबिलियत है कि वो सेम वैसा इंडिविजुअल बना सकता है, ठीक है। सोमैटिक पार्ट अगर प्लांट से हटा दिया जाए, या हटाते हैं हम अपनी इच्छा से हटाते हैं, खुद भी होगा नेचुरली ऐसा, तो वो पार्ट में पोटेंशियल है कि वो एक नया प्लांट बना सकता है, ठीक है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट में भी शो होता है। तो कई लोग, जैसे कई बुक्स वगैरह में लिखा रहता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है जो सिंगल सेलर में पाया जाता है, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स में भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और प्लांट्स जो है मल्टी सेलर है। तो ये डेफिनेशन गलत है। सही डेफिनेशन असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये हो सकती है, या ये होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जो बाय पेरेंटल होता है, ठीक है। खैर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाद में देखेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो सोमैटिक पार्ट से एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन में। इसको आर्टिफिशियली भी करवा सकते हैं हम, एक आर्टिफिशियल एनवायरमेंटल कंडीशन देके जो उस प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी है, ठीक है। अब देखिए द डिटैचेबल सोमैटिक पार्ट, जो पार्ट डिटैच होता है प्लांट से, जैसे रोज वगैरह में आपने देखा होगा ना, रोज लेते हैं हम, ठीक है, एक मान लीजिए रेड रोज आता है, एक वाइट रोज आता है, तो हम क्या करते हैं, रेड रोज की टहनी काट के वाइट रोज उस पर लगा देते हैं, ठीक है, और उसको काउडंग वगैरह से उसको बांध दिया जाता है इस तरीके से। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो प्लांट उससे जुड़ जाता है और फिर उसमें जो रोज आते हैं वो रेड और वाइट दोनों आते हैं, ठीक है। तो कई ऐसे पार्ट होते हैं प्लांट के, सोमैटिक पार्ट होते हैं जिनसे एक नया ऑर्गेनिज्म या एक नई जो प्लांट का पार्ट है वो बन सकता है, ठीक है। तो वो जो पार्ट जो डिटैच हो सकता है और काबिलियत रखता है कि नए प्लांट के पार्ट को या पूरे प्लांट को ही बना सकता है, उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स। इसे याद रखना आप, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स क्या है, वो पार्ट, वो सोमैटिक पार्ट प्लांट का जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में रोल प्ले करता है, ठीक है। अब देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, कुछ प्लांट्स हैं जिनके वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स दिए हुए हैं। पोटैटो में आई, जैसे आलू आपने देखा होगा तो उसके उसमें ऐसे धागे धागे से या वाइट वाइट कलर का जो थ्रेड से निकले रहते हैं वो क्या रहती हैं, उसके आईज रहते हैं। तो इनमें काबिलियत है कि वो पूरा का पूरा नया प्लांट बना सकते हैं, पूरा का पूरा एक आलू का पेड़ उगा सकते हैं, आलू का पौधा उगा सकते हैं, सॉरी, ठीक है। जिंजर अदरक में राइजोम्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। अगेव एक प्लांट है जो अमेरिका में या उस साइड में ज्यादा उगता है, ठीक है।
और इसमें बल्बिल होते हैं, ठीक है। ये किस तरीके के प्लांट है? से केक्टस टाइप से प्लांट है ये, ठीक है। तो इसमें जो बल्बिल होता है वो एक यंग वन को प्रोड्यूस कर सकता है। वाटर हाइसिंथ, ये टेरर ऑफ बंगाल भी है, ठीक है। वाटर हाइसिंथ, इसके खूबसूरत फूलों के कारण इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल के रिवर में या एक पॉन्ड में, और इसने क्या किया, देखते देखते पूरे पॉन्ड को घेर लिया और ये खतरनाक हो गया था फिर, यानी कि इसको रोक पाना मुश्किल हो रहा था, ठीक है। तो इसको वाटर हाइसिंथ टेरर ऑफ बंगाल भी नाम दिया गया है। खैर, यहाँ पे समझने वाली बात है कि इसमें ऑफसेट होते हैं, यानी कि एक प्लांट है उससे इस तरीके से ट्यूब निकलती है और दूसरा प्लांट बनता है, फिर उससे ट्यूब निकलती है, फिर तीसरा प्लांट बनता है, इस तरीके से ये बनते जाते हैं। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, उससे और आप अच्छे से इसे समझ सकते हैं। इसके बाद है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम क्या होता है? ब्रायोफाइलम एक प्लांट है, ठीक है। ये भी ज्यादातर अमेरिका में पाया जाता है और इसमें लीफ से एक नया का नया, मतलब लीफ बर्ड से एक नया का नया प्लांट बनता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये पांचों टाइप थे, कौन कौन से? सबसे पहला बडिंग, ठीक है। उसके बाद सबसे पहला बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद है आपका चौथा था स्पोरुलेशन, और फिफ्थ एंड लास्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड थे। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या तरीके हैं, कैसे कैसे होता है, उसके क्या इवेंट्स हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट या फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है, उनको डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक और चीज मैं कहना चाह रहा था कि दोस्तों देखो, अगर कोई भी चीज आपको लगती है कि इसको और बेटर किया जा सकता है, तो प्लीज 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 इसमें बिल्कुल भी आप ऐसा ना सोचें कि नहीं नहीं मुझे बेकार लगेगा। आप प्लीज, अगर आपका सजेशन सही है और आप बिल्कुल ऑनेस्ट सजेशन आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि सर ये और एक्सप्लेन करें, या अच्छा है तो अच्छा बोलें, गंदा है तो गंदा बोलें, जो भी, मतलब ऑनेस्ट रहें प्लीज, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।